अगर नेहरू भारत विभाजन के वक्त सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देते और हिंदुओं को भारत में ले आते तो आज देश की सामाजिक व्यवस्था खराब नहीं होती। हमने बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू के साथ प्रतिकार से सीख लेनी चाहिए। अगर हम सीख लिए हो तो ये आज स्थिति ऐसी नहीं होती। उन्होंने कहा कि इन देशों में हिंदू अपने जमीर की जंग लड़ रहे हैं और मुसलमान घुसपैठ करने में मशगूल थे। सीमांचल के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार की डेमोग्राफी बदल रही है। उन्होंने कहा कि हिंदू संगठनों के साथ इन इलाकों में बड़ी बैठक होगी। ऐसा इन इलाकों में इसलिए जरूरी है कि इन जिलों में बड़ी तेजी से हिंदू की आबादी घट रही है और मुस्लिमों की बढ़ रही है, जिससे यहाँ की स्थिति बिगड़ रही है। उन्होंने कहा कि देश में जब तक हिंदू है तब तक ही लोकतंत्र है। बांग्लादेश में हिंदू अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं और बांग्लादेश से भागकर मुसलमान भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। जब जीना और मरने का सवाल हुआ और मुसलमान घुसपैठ कर रहे थे भारत में प्रवेश के लिए, और आज ये जिलों का हालात, कोई ऐसा जिला नहीं है प्रैक्टिकल, किशनगंज तो अब सर से पानी ऊपर चला गया है, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, रात में भी पूर्णिया में वंगत, कौन बता रहा था, वो धमदाहा में एक पंचायत में मंदिर स्थल को पेशाब किया, उसके बाद लोगों ने थाना दौड़ा, एक क्रिमिनल छूट गया था, उसकी गिरफ्तारी हुई रात को 1 बजे। अब ये पूर्णिया, अररिया और कटिहार को टारगेट कर रहे हैं।